गांवा थाना क्षेत्र के पटना में दिनेश पंडित के 28 वर्षीय नीलम देवी का शव गुरुवार की देर रात संदेहास्पद स्थिति में फंदे से झूलता हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची गांवा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर मौजूद मृतका की बहन ने बताया कि मौत से पूर्व उनकी बहन ने अपनी मां को सुबह 10 बजे फोन कर घर बुला रही थी, लेकिन घर में मां और पिता के अलावे कोई नहीं होने के कारण उन्होंने अगले दिन सुबह आने की बात कही, जिसके बाद मृतका के भैसुर डोमी पंडित ने उनकी मां को फोन कर बेटी के फांसी लगा दिए जाने की सूचना दी। बताया कि नीलम का पति पैसा नहीं कमाता था और अगर थोड़ा बहुत कमाता भी था तो उसे जुए आदि में उड़ा देता था। उनके 3 बच्चे थे जिसके भविष्य को लेकर हमेशा नीलम का झगड़ा उसके पति से होता रहता था। हमको तो लग रहा है कि मार दिया है बच्चा को। देखिए इस समय लीला कर रहा है कि हमरा मम्मी को फांसी लगा के मार दिया पापा। उसका बच्चा लगा के बच्चा लगा के अंदर से लाया बच्चा बोला बेटी सब कुछ बड़ा वाला बच्चा बोला बच्ची वाला बोल रहा है कि मम्मी को मार के काम जैसे कि मतलब कि वहाँ से घरे फोन गए 10 बजे मम्मी के पास, तो बोले कि आप लोग टेम्पू लेकर आइए। तो मम्मी के पास परिवार नहीं था, सिर्फ पापा थी मम्मी। तो बोल रहे थे हम अभी कैसे आएंगे, सवेरे आएंगे। तो बोला अच्छा ठीक है सवेरे आइएगा। उसके बाद उनको बड़े भैया फोन किए थे, सही ना भैया, बोले थे कि आपको बेटी फांसी लगा के झूल गए जा पाइए डोमी पंडित। तो फिर वो फिर मम्मी है जो तवा हो गई गाड़ी के चलते। तो फिर मम्मी आई तो देखे कि वो मतलब फांसी लगा के दीदी को झुला के और तीनों बच्चा के लेके डोमी पंडित को घर में था। जब हम लोग आए तो देखते 3 दरवाजा को अंदर में उठी, तो अगर जो खुद से फांसी लगाएगी तो अंदर से कुंडी लगा हुआ रहेगा, तो बाहर से कुंडी 3 दरवाजा के था। पहले तो घर में होता था यही कि मतलब कि न बढ़िया से ढंग से कमाते थे, न ढंग से करते थे, न घर में कोई चीज लाते थे, न उधर से कमाते तो उधर गमा देते, तो इसीलिए झगड़ा करते थे बीवी कि जुआ खेलते हैं तो 3 बच्चा है तो कैसे पोसेंगे कैसे रखेंगे, यही सबको झगड़ा होता है। हम लोग को लग रहा है कि मार दिया। मान के चलिए कि देखिए इतना भीड़ से भैया आप कैसे सोच सकते कि मतलब कि झूला रहेगा, एकदम रस्सी पूरा झूलल है। हम फांसी लगाएंगे तो टंगा हुआ रहेंगे, नीचे बैठा हुआ नहीं रहेंगे। हाँ हम लोग तो थाना में आवेदन दिए, मगर अभी तो बोल रहा है कि रिपोर्ट निकलेगा। हाँ लड़का तो अंदर